12 और 13 फरवरी को हमें आईपीएल 2000 बॉयज का मेगा ऑक्शन होते हुए नजर आने वाला है। और आईपीएल 2000 बॉयज के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से तीन बड़ी खबरें आप के लिए, तीन बहुत बड़े अपडेट बाहर निकल कर आए हैं। तो तीनों ही बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है आईपीएल 2000 बॉयज की नीलामी से पहले। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की या फिर कहले पहली बड़ी खबर की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वह जहीर खान को लेकर। मुंबई इंडियंस की टीम का जो मैनेजमेंट है उसके मेंबर जहीर खान भी और जहीर खान भी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए बेंगलुरु पहुंच गए और जहीर खान वहां पर जाके रणनीति बनाने में लग चुके हैं टीम के लिए आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए। और मुंबई इंडियंस की टीम का जो पूरा कोचिंग स्टाफ और जो ओनर्स है वो भी आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए बेंगलुरु के होटल में पहुंच गए जहां पर आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो काफी बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है। मुंबई इंडियंस की टीम के जो जहीर खान है कोचिंग स्टाफ के मेंबर, जहीर खान भी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वह मुंबई इंडियंस की टीम के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर। मुंबई इंडियंस की टीम के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है कि मुंबई इंडियंस की टीम का जो सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, जिस टाइम मेगा ऑक्शन लाइव शुरू होगा उसी टाइम से हमें लाइव स्ट्रीमिंग मुंबई इंडियंस की टीम के इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर होते हुए नजर आने वाली है। और फैंस अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम को कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए इस मेगा ऑक्शन में, यानी कि एक तरीके से कह ले कि मुंबई इंडियंस की टीम के फैंस जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम को नाम सजेस्ट करने में मदद करने वाली है कि कौन से खिलाड़ियों को एमआई की टीम को इस मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहिए और कितने करोड़ रुपए में खरीदना चाहिए। 11 बजे से मेगा ऑक्शन लाइव आने वाला है, तो आप मुंबई इंडियंस की टीम के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर वहां पर आप अगर एमआई के फैंस है तो वहां पर आप नाम सजेस्ट कर सकते हो एमआई की टीम को, एमआई की टीम को आईपीएल 2000 बॉयज के मेगा ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए। काफी बड़ा अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पर आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और यहां आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से आप इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी बड़े अपडेट की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वो ऑडियन स्मिथ को लेकर। ऑडियन स्मिथ ने दूसरे वनडे में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है वेस्ट इंडीज की टीम के लिए और इनसे काफी इंप्रेस रोहित शर्मा भी हुए हैं। तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम ऑडियन स्मिथ के ऊपर इस मेगा ऑक्शन में लंबी चौड़ी बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। लगभग मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 से 6 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस तैयार किया है ऑडियन स्मिथ के लिए। अगर ऑडियन स्मिथ मिल जाती है मुंबई इंडियंस की टीम को 5 से 6 करोड़ रुपए में, तो एमआई की टीम जरूर इस खतरनाक ऑलराउंडर को इस मेगा ऑक्शन में से इजिली परचेज करके अपनी टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए, तो आप अपनी रिकमेंड बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।